बालों से वशीकरण करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे बालों से वशीकरण कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के बाल से वशीकरण करने का समाधान पाएं 24 घंटे के अंदर। बाल से वशीकरण कैसे होता है, बालों से वशीकरण कैसे करें, आप भी जानना चाहते हैं तो फिर आपका आज इस वीडियो में स्वागत है। और जानिएगा बालों से वशीकरण करने के उपाय टोटके। दोस्तों ये उपाय टोटके इतने प्रभावशाली हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के उसके बाल से वशीकरण कर सकते हैं। बस आपके पास उसका कोई एक बाल होना चाहिए। इस वशीकरण क्रिया को अपनाने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस बालों से वशीकरण ये होगा। बताना चाहेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति जिससे आप परेशान हैं, जैसे कोई पति है, पत्नी है, कोई बॉस है या फिर शादीशुदा औरत है, लड़की है, उसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपनी कोई बात आप मनवाना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये क्रिया अपना कर वशीकरण कर सकते हैं घर बैठे। और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। बताना चाहेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बालों से वशीकरण क्रिया, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बाल से भी वशीकरण होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ दोस्तों, बाल से भी आप घर बैठे वशीकरण कर सकते हैं। ये क्रिया इतनी आसान है कि किसी को भी वश में आपके कर देगी। बताना चाहूँगा बालों से वशीकरण क्रिया को। बाल से वशीकरण क्रिया आपने शुक्रवार के दिन इस्तेमाल में लानी है। जिसका भी वशीकरण करना है उसके बाल आपने लेकर आने हैं। अपने किसी भी सफ़ेद वस्त्र पर, सफ़ेद रुमाल पर उस बालों को रख लेना है और ऊपर से और रुमाल लपेट देना है, कपड़ा लपेट देना है। और अब आपने एक मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः सर्वोदयाय वशीकरणाय वशीभूताय नमो नमः स्वाहा। इस मंत्र का निरंतर 551 बार जाप करना है और लगातार 7 दिन तक इस क्रिया को करना होगा। उसके पश्चात आपने क्या करना है, उसके पश्चात आपने जो भी रुमाल लिया था उस पर आपने लाल परांधा लपेट देना है। और दोस्तों क्या करना होगा, इसे किसी भी सुनसान स्थान पर जाकर, जितने ही दिन समाप्त हो जाए उसके बाद सुनसान स्थान पर जाकर आपने इसे गड्ढे में दबा देना है, ऊपर से आपने नमक गिरा देना है। और उसके बाद प्रार्थना करनी है कि मैंने जो भी वशीकरण किया है जल्दी प्रभाव उसको देखने को मिले। और इस प्रक्रिया को अपना कर आप वशीकरण कर सकते हैं घर बैठे, किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। बताना चाहेंगे कि वशीकरण के इस्तेमाल से बहुत से लोगों ने सफलताएं हासिल की हैं, आप भी पा सकते हैं दोस्तों बाल से वशीकरण क्रिया को अपना कर। लेकिन एक हिदायत है, इसका इस्तेमाल किसी गलत कार्य के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि गलत कार्य में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद को भुगतना पड़ता है दोस्तों, तो गलत इस्तेमाल इसका बिल्कुल ना करें। अगर दोस्तों कहीं पर कोई परेशानी आए टोटका उपाय करते समय या कोई अन्य जानकारी आप हमसे चाहते हैं, तो आप हमारे दिए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी है, किसी अन्य जानकारी हमें जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको आज की है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों साथ में आपकी स्क्रीन पर जो आई का साइन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करने